आज है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डे, सरप्राइज 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 सरप्राइज। Bill, I'm in the mood for a switch-up. I hit the function, hit the rose light till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change-up. I leave the city and return with my change-up. They got amnesia, don't remember. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक एक बार फिर से स्वागत है, एकदम स्वागत वाला। फिलहाल अभी कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं, तो हमने ग्लव्स वगैरह जो हैं अभी बांधे नहीं हैं। फिलहाल अभी आज है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डे, तो उसी के लिए फिलहाल अभी घर से निकले हैं। और जगीरा की कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि इसकी वॉश नहीं करी है, ठंड इतनी हो रही है कि खुद वॉश करा नहीं सकते, वो बाहर वॉश कराने का टाइम नहीं है। फिलहाल अभी नेक्स्ट वीक प्लान बन रहा है लखनऊ का, सो वहाँ पे भी कुछ ढेर सारे ब्लॉग आएंगे बैक टू बैक, तो उस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे आप लोग सब। तब तक के लिए दबा के एकदम सपोर्ट दिखाइए। और फिलहाल देखिए सन निकला हुआ है, ब्यूटीफुल सा। आज थोड़ा सा स्पेशल डे है, बातों बातों में भूल गए, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना था कि क्या स्पेशल आखिर क्या है आज। तो आज है ऐसा, नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और सरप्राइज 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 सरप्राइज। तो अभी एक निकला है ब्यूटीफुल सा सन, और अपनी जगीरा गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और बस कंटिन्यू करो ब्लॉग को। फिलहाल अभी सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं, लेकिन सरप्राइज भी कितनी देर आपसे छुपा सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, तो सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिलहाल अभी निकल रहे हैं अपने भट्ठे के लिए, भट्ठा इन द सेंस ऑफ डायरेक्टली बोले तो ब्रिकफील्ड, जो बेसिकली ना जानते हो भट्ठा ब्रिकफील्ड। तो फिलहाल वहाँ पे आज नया नया सीजन स्टार्ट होने वाला है, और वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, और इस न्यू ईयर पे कोई खास प्लान नहीं था, प्लान था बट हम गए नहीं वहाँ पे, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस वजह से जा नहीं पाए। तो अभी फ़िलहाल हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन सबको एक बार फिर से। तो आ गया है 2021, और लास्ट टाइम की तरह ऐसा ना हो 2020 की तरह एकदम बैंड बज जाए पूरे साल की, तो वाला सीन नहीं होना है। फिलहाल अभी निकल आए अपने घर से, और यहाँ से लेंगे राइट पे, नया नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है 2021, तो उसी की प्रिपरेशन फिर पे सकते हो कि आज आग वगैरह पड़ने वाली है, नए नए ईंटें पकेंगे। तो फिलहाल जो भी प्रोसेस है, मॉर्निंग में जल्दी से उठे हैं, 9:30, 9:30 बजा होगा मैक्सिमम टाइम हो गया है, हाँ 10:20 हो गया है। फिलहाल थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले होगा पूजा वूजा, और उसके बाद पड़ेगी आग, और देन ईंटें पकेंगे, वही सब चीज़ें। तो ओवरऑल आपको व्यू देंगे एक कि क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा भट्ठे में। फिलहाल जो है ईंटें अपने भरे जा रहे हैं, और ये रात में ब्यूटीफुल सा ब्रिकफील्ड नॉर्मली सब ऐसा ही होते हैं, धूल धक्कड़ वाले, और ऑफिस वगैरह भी सब ऐसा ही होते हैं, इनके कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे धूल ही इतनी होती है, तो मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी गाड़ी को करते हैं पार्क, और ले के चलते हैं सीधा जहाँ पे तैयारी हो रही है ईंटें पकने की, और कंटिन्यू रखेंगे ब्लॉक को। Thank you.
तुझे देखने की तमन्ना करता है तू हर दफा हर दफा तुझसे मिलूं ना। तो फाइनली अभी सामान लेके जो है जस्ट अभी पहुंचे हैं यहाँ पे और देखते हैं आगे का क्या सिस्टम है। सामान वगैरह सब लेके भी जस्ट आए हुए यहाँ पे। मेरा हर एक लम्हा तेरे बिना जैसे है। टॉप पे और ये मेन राबिस पड़ी हुई है पकी हुई ईंटे की, ईंटा का बुरादा जिसको राबिस बोलते हैं। और उस साइड जो है नई ईंटा लग रही है मतलब, और इसके ऊपर फिर यही वाली बालू डाल के इसको कवर कर दिया जाएगा। और ये जो एरिया आप देख रहे हो नीचे बैकग्राउंड में, ये सारा इसके नीचे सारी की सारी कच्ची ईंटा है। तो उस साइड जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जमा है वहाँ से आज पड़ेगी आग। और ये वाला राउंड पूरा ऐसे ले के और ये राउंड ऐसे होगा कंटिन्यू वहाँ तक। पंडित जी बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है हैं? ईंट तो लगी रही है पंडित जी, क्या बात है आखिर बता नहीं रहे हो हैं? ईंट तो भराई हो ही रही है, खुश बहुत तो हैं? हाँ आग पड़ेगी, वाह भाई वाह। बाहर से पर्चे लाते हैं नहीं, ये काय के लिए अंदर चिमनी में ये निकल नहीं रहा, ये पूरा अंदर कवर बना होता है ना, कवर से डालो है लेकिन आग यहीं से डालते हैं वो लोग। मेरे फाइनली सारी पूजा वगैरह हो गई और केवल आग और आग लगने के लिए बची है। तो अभी कुछ लकड़ियाँ वगैरह अंदर डाली जा रही हैं और फिर उसके बाद दी जाएगी आग, जो कि साइड से दी जाएगी। उसकी वीडियो भी हम बना के मतलब आगे आने वाला, क्योंकि अभी लगी नहीं आग तो जाहिर सी बात है। और बैकग्राउंड में देखिए सब कोयला पड़ा हुआ है, पहले एक बार प्रॉपर लकड़ी जल जाती है तो उसके बाद ऊपर से कोयला डालते हैं, फिर लकड़ी डालना बंद हो जाती है टोटल यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आग नई होती है तो इसलिए लकड़ी डाल के ही मेनली आग लगाना स्टार्ट किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल बैकग्राउंड में शायद दिख रहा हो तो धुआं निकलने लगा है फ़िलहाल, तो क्योंकि अंदर साइड से आग लगा दी गई और बाहर से मेन लकड़ी डाल के और डीजल डाल के आग लगाना स्टार्ट कर दी जाएगी। I'm not afraid to die.
बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा, तो आग वगैरह पीछे लग चुकी है ऑलरेडी। तो सारा का सारा पूजा वगैरह जो भी था सब ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं और प्रॉपर तरीके से आग लग चुकी है। ऊपर से लकड़ियाँ डाली जाती हैं कुछ आग लगाने के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले दिखाया था, और कुछ वो डीजल वगैरह डाला जाता है ताकि आग एक बार पकड़ ले, फिर उसके बाद देन ये जो पड़ा हुआ है पूरा पूरा ये कोयला का सेशन, तो उसके बाद कोयला डालते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर ये लगभग 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ईंटा निकलती है। और यहाँ से निकलते हैं अभी, घर जाएंगे क्योंकि कुछ खाना वगैरह खा लें, और बाकी प्रॉपर धुआं वगैरह लगने लगा इस साइड पे जो है। अभी जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो ईंटा वगैरह नई वाली लग रही, तो वो वाला राउंड पूरा घूम के आएगा, इधर ये वाली तब तक लग जाएंगी, और इधर की जो अभी आग पड़ी है वो निकलने लगेगी, तो फिर नई ईंटा लगने लगेगी इसमें। तो फाइनली सारा का सारा डन हो चुका है, और एक बार फिर से हमारी और आपकी गुफ्तगू या कह सकते हो बातचीत। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, सारे हमारे सब्सक्राइबर को और जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि आपका ईयर बेस्ट जाए पिछले साल की तरह, तो एकदम क्या सभी का ऐसा ही गया होगा, तो उस वैसा ना जाए। और आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी का 2021 बहुत ही ब्यूटीफुल जाए। हैप्पी 2021 टू एवरीवन, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, एंड जिन्होंने नहीं किया उनको भी और जो करने वाले हैं उनको भी। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारा का सारा प्रसाद वगैरह सब कुछ भी हमने खा लिया है, और सारा का सारा काम हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से देन घर पे निकलते हैं, सीधा मिलते हैं बाइक पे आपको, और कुछ थोड़ी सी डिटेल्स और बता देंगे यहाँ के बारे में, और देन कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को और वहीं पे एंड करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी सब तो बढ़िया ही है। सो कहानी कुछ इस प्रकार है, सारी की सारी बेसिकली इतना भी आग वगैरह लगनी थी, तो वो आग वगैरह तो फ़िलहाल लग चुका है। भैया कहाँ जाओगे, और अभी निकलते हैं अपने फ़िलहाल डेस्टिनेशन की तरफ। और बेसिकली मेन वही होता है, सबसे पहले वो लोग जो है चिमनी को अपने गर्म करते हैं, और देन ऊपर से थोड़ी सी लकड़ी और फ्यूल को डाल के थोड़ा सा जला के उसको, जब प्रॉपर तरीके से आग जलने लगती है तो फिर उसमें देन कोयला डाल के फिर वो लोग जुकाई करते हैं ताकि ईंटा वगैरह जो है प्रॉपर पक जाए। पूरा जो पूरा प्रोसेस होता है वो मेनली 15 दिन का प्रोसेस होता है, और बाकी ईंटा मतलब 15 दिन का प्रोसेस होता है, फिर कुछ दिन बाद ठंडी हो के 20 दिन का लगभग अप्रॉक्स मान लो कि 20 दिन में ईंटा आप निकाल सकते हो प्रॉपर, अगर अच्छी ईंटा चाहिए आपको। बाकी जल्दी भी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग लेट भी करते हैं, इस टाइम से भी डिले करते हैं। तो फिलहाल मंगलवार था और बजरंगबली का दिन था, तो मंगलवार या शनिवार को ही आग डाली जाती है बेसिकली, मेरे जितने भी पिछली बार जितनी बार भी डाली गई, और तो पास था मंगलवार, तो अच्छा दिन था और मौसम भी ठीक ठाक था, तो फिलहाल डाल दी क्योंकि अव्वल जो ईंटा होती है ना वो स्टॉक में आउट ऑफ स्टॉक हो गई है पूरे भट्टे पे, तो उसी की वजह से मेनली आग डालनी पड़ी। प्रॉपर अभी पूरी ईंटा है नहीं क्योंकि आधा सर्किल जब तक भरता नहीं तब तक आग डाली नहीं जाती है। फिलहाल अभी डाल के चालू कर दिया है, और मे बी कल या परसों तक में जो है पूरा का पूरा आधा सर्किल हो जाएगा। तो यही इतनी छोटी सी कहानी थी, आग वगैरह लग गई है तो जाहिर सी बात है ईंटे वगैरह पकेंगे, और फिलहाल जल्दी से जल्दी हम लोग बना रहे हैं लखनऊ का ट्रिप इस वीक के अंदर। तो कुछ ब्लॉग अभी आगरा के और मथुरा के आएंगे, और देन उसके बाद बैक टू बैक लखनऊ के ब्लॉग्स आएंगे। तो लखनऊ में अपने जगीरा में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराएंगे, तो उस मॉडिफिकेशन की भी वीडियो प्रॉपर डाल देंगे। तो इतनी सी कहानी थी, बाकी एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ, और अपना सब लोग एंजॉय करिए, मेहनत करिए, खूब सक्सेस होइए अपनी लाइफ में, और आई होप कि आपका ईयर बहुत बेस्ट 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 जाए।